तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक ट्राली है और इस ट्राली में आप जानते हैं कि ट्राली में तीन चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई और दूसरी ऊंचाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी यहाँ पर ट्राली को मापेंगे तो कभी भी इसके बाहरी पार्ट से नहीं नापेंगे, क्योंकि बाहरी पार्ट से जब नापेंगे तो इंच में कुछ अधिकता आ जाएगी और जिससे आपको माल कम मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको इसके इंटरनल पार्ट से मापेंगे और चौड़ाई भी ऐसे, और गहराई चूंकि आप मापने के लिए इसमें कोई माल भरा हुआ होगा इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें कोई सरिया डालकर इसकी गहराई को माप लेंगे और इस तरीके से एक्यूरेट और शुद्ध इसका यानी कि इसके अंदर कितना माल भरा हुआ है ये आप जान पाएंगे।